रही सदा के गौरव में, हृदय के गौरव में था गौरव, किसी को देख न सके विपद। यहाँ पे देखो पूत मतलब पवित्र होता है यहाँ पे दिया गया, ओके। और यहाँ विपन्न मतलब होता है गरीब, यहाँ विपन्न का मतलब होता है गरीब बताया गया यहाँ पर। अभी यहाँ पे जो हमारे कवि है बता रहे कि किस तरह चरित्र पूत भुजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के लोग सदा जो होते ना चरित्रमान होते थे रहे पहले से, और उनकी जो भुजाओं में थी दोनों जो उनकी दोनों भुजाओं में थी शक्ति हमेशा भरपूर रही है। और जो हमारे हमें गर्व करना चाहिए हमें हृदय से कि भारतीय वीरता की कभी कमी नहीं रही, जो भारत की जो वीरता थी कभी कमी नहीं हुई, वो हमेशा बढ़ती चली गई। और साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण ही है, जो हमारा नम्रता था हमेशा वो गुण बना हुआ ही है, चाहे कितना भी हमें गरीबी आ जाए, संकट आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, वो हमें हमेशा नम्रता वो छोड़ते नहीं थे। और कभी उन्होंने घमंड नहीं किया, कितनी भी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त कर लिया कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। यही हमारी सभ्यता संस्कृति पर गर्व रहा है हमेशा, हमारी सभ्यता संस्कृति हमें हमेशा गर्व रहना चाहिए। और हमेशा दीन दुखियों की सेवा करने के लिए भारतीय सदैव तत्पर रहते, किसी को देख न सके विपन्न, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, वो हमेशा तत्पर रहते थे सेवा करने के लिए। हमारे भारतीय सदैव तैयार रहते थे। आप देख सकते हो कि सभी लोग किस मदद कर रहे हैं, डोनेट कर रहा है, तो एक भारतीय की संस्कार है कि वो हमेशा तत्पर रहते, हमेशा सदैव तैयार रहते कि कुछ ना कुछ हम विपत्ति में या गरीबी में किसी को दान पुण्य करें। आप लोग तो देख ही सकते हैं कैसे लोग पैसा दे रहे हैं कि रुपया दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो यही हमें पता चलता है हमारे भारतीय के अंदर कितनी नम्रता है। ओके, नेक्स्ट, हमारे संचय में था दान, अतिथि सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रही टेव। यहाँ टेव का मतलब आदत होता है, यहाँ टेव का मतलब क्या होता है, आदत। संपत्ति का संग्रह करते हैं, अगर हमारा पैसा है हम लोग संचय कर रहे, एकत्र कर रहे, धन जमा कर रहे, तो जो अतिथि है हमारे देव भव, यहाँ माना कि हमारे भारत में हमेशा अतिथि को देव भव माना गया, हम लोग सदा देव मानते समान माना जाता है। और यदि हम धन संपत्ति का संग्रह कर रहे संचित कर रहे तो दान करते, अगर पर धन ज्यादा है या धन दौलत ज्यादा है तो हमें परोपकार करना चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए, बल्कि उसका परोपकार हमें करना चाहिए। यही दानवीरता भारतीय का गुण है। और हमारे देश में अतिथि को सदा देवता के समान, यहाँ पे दिया अतिथि थे सदा हमारे देव, मतलब हमारे देश में हमारे हमेशा अतिथि को देव माना गया है, अतिथि को सम्मान दिया जाता है। यही भारत की सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। वचन में सत्य हो, हमारे वचन में हमारे अंदर सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही करना चाहिए, सदा देवता का समान माना गया। और भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं, हमारे देश में सत्य बोलना सभी लोग धर्म मानते हैं। हमारे हृदय में तेज है, हमारे हृदय में क्या है, तेज है, हमारे हृदय में तेज है, गौरव है, गरिमा है, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, प्रतिज्ञा में रही टेव, हमारी आदत है कि हम हमेशा जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उस पर हमेशा अटल रहते हैं, चाहे प्राण चले जाए, प्राण जाए पर वचन कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसे हमारे भारतवासी का कहना है कि हमारे देश में हमारे कभी कहते हैं कि प्राण चले जाए पर वचन कभी जाना, क्योंकि वचन न जाए हमारा यही जीवन मूल्य है, ये वचन कभी टूटना नहीं चाहिए, अरे हमारे प्राण चले जाए लेकिन कभी वचन नहीं टूटना चाहिए, एक बार वचन दे दिया उसके लिए हम अपनी जान खुलकर निछावर कर देंगे लेकिन वचन कभी टूटने नहीं देंगे। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं इनके माध्यम के द्वारा। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस जैसा ज्ञान, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज जो हम भारतवासी हैं, हमारा जो रक्त है हम उसी देश के हैं, वही हमारी हिम्मत है, हमारा ज्ञान है, हमारे अंदर शांति है, शक्ति है, और जो हम लोग हैं हम आर्य संतान हैं, हम लोग कौन है, आर्य संतान के हैं। आज भी हम भारतवासी धनियों में उन्हीं पूर्वजों को रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज जो हमारे महान ऋषि मुनि है, महान लोग है, तो महान महान जैसे राम हो गए, गौतम हो गए, ऐसे बहुत से महान, आज हमारे अंदर जो रक्त भरा है आज प्रवाहित हो रहा है उन्हीं का दिया हुआ है। आज भी हमारा देश वैसा ही है जैसे पहले था, आज हमारा देश वैसा ही है जैसे पहले था, वैसा ही हिम्मत बीता हुआ कल था, आज भी है। जब पहले हमारे अंदर साहस हिम्मत थी, आज भी हमारे अंदर साहस हिम्मत है, आज हम एकजुट है, आज भी हम एकजुट है। जब हम अपने आजादी के लिए भी एकजुट किए थे तो आज
देखा जा रहा है कि भारत में जो लॉकडाउन है उसके लिए भी हम लोग एकजुट है, तो यही हिम्मत है कि अंदर हम बनाए रखे हैं हमारे देश में, और वैसा ही ज्ञान है जो पहले ज्ञान था, आज वैसा ही ज्ञान हमारे अंदर है, आज भी हमारा देश देशवासी में वैसे ही शक्ति है जैसे पहले शक्ति थी, आज भी देशवासी में ऐसी शक्ति है, और जो हम संतानें हैं, आर्य दिव्य संतानें हैं, ओके, हम वही है जो दिव्य आर्य संतान है, जो आर्य संतानें हैं, हम भारतवासी के संतान हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, ये तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष हमेशा, सदा मतलब हमेशा, अभिमान मतलब गर्व जो होता है गर्व, और हर्ष मतलब प्रसन्न, हमेशा निछाड़ कर दे, अर्पित कर दे, समर्पित कर दे हमारा प्यारा भारतवर्ष, हम जब तक जिएंगे। ये आवाज किसका आ रहा है ज्यादा जोर से? हम हेलो 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 किसके घर में घंटी बज रहा है? हेलो, शांति बनाए रखो, हम जब तक जिएंगे इसी देश के लिए जिएंगे, ये तो सदा इसी के लिए, अगर हम जीवित रहेंगे जब तक जिएंगे अपने भारतवासी अपने भारत के लिए जिएंगे, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, हमें अपने संस्कृति और अपने सभ्यता पे हमेशा अभिमान रहना चाहिए, और हर से प्रसन्न हूं मैं कि मैं ऐसे देश में हमारे संस्कृति और सभ्यता का पालन किया जाता है, हम ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है, हमारा प्यारा भारत, इसे भारत में हमने जन्म लिया, यदि कभी आवश्यकता पड़ा लाइफ में, जरूरत पड़ा मुझे हमें अपने देश के लिए, तो मैं अपना सब कुछ अपने देश के लिए निछावर कर दूंगा, सब कुछ अपने देश के लिए मैं क्या करूंगा, अर्पित कर दूंगा ये अपने देश के लिए। हेलो, हाँ मैं वापस रिपीट करूंगा, वापस तो तीन चार लाइन में वापस रिपीट करूंगा, ओके ध्यान से सुनना फिर से। चरित थे पुत्र भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गौरव, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी बता रहे कि जो भारत के लोग थे हमेशा चित्रवान रहे, हमेशा डेली अभी थी, आज भी है और रहेगी, आने वाले युग में भी रहेगी। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं हुई, वो हमेशा बहादुर की तरह लड़े, बहादुर के जिए और बहादुर की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही हमेशा उन्होंने क्या किया, नम्र एकदम विमल स्वच्छ सगुण अपना है, हमने कभी अपनी उपलब्धि में घमंड नहीं किया, भाई हमने आज इतना आगे बढ़े, आज हम यहाँ पे पहुंच गए, तो कभी हमारे भारतवासी ने कभी घमंड नहीं किया, और हमें गर्व है कि हम भारत में जन्म लिए, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, चाहे कोई भी संस्कृति हो, हमें अपने देश पर गर्व रहना चाहिए, अपने संस्कृति पर हमेशा गर्व रखना चाहिए। हम कभी किसी को दुखी नहीं दे सकते, किसी को देख न सके विपन्न, अगर चाहे गरीबी आ जाए, दुख दुखी आ जाए, विपन्न आ जाए, गरीबी पकड़ो दुख पकड़ो, हम दोनों में नहीं करते, विपन्न में गरीबी भी हो सकता है दुख भी हो सकता है, अगर चाहे दीन दुखी हो, यहाँ पे हम लोग विपन्न का मतलब दीन दुखी हो भी लिख सकते हैं, दीन मतलब गरीबी होता है, अगर चाहे मुसीबत आ जाएगा उनके ऊपर, तो हमेशा भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रति टेप। हमने यदि धन बहुत जमा किया है, बहुत संचित किया है, संग्रह किया है, तो हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए, वो धन को हमेशा पेटी में जमा करके रखना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परोपकार करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, ये हमारे भारतवासी के जो शिक्षा है बताते हैं। दान वीरता भारतीय गुण है, हमारे देश में वैसे आपको पता है, हमारे देश में हरिश्चंद्र है, हम उनके संतानें हैं, हरिश्चंद्र पता है भारतवासी के, हमेशा सत्य बोलना हमने धर्म सिखाया, हरिश्चंद्र जी ने सब कुछ अपना राजपाट अपना सब कुछ निछावर कर दिया सत्य में, तो उन्होंने बहुत सत्य का साथ दिया, उन्होंने अपने धर्म को अपनाया, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो ऐसे हम भारतवासी के पुत्र हैं, यहाँ पे सत्य का साथ चलता है और यहाँ पे बताया है कि हमारे देश में अतिथि देवो भव, हमेशा हमें देव के समान मानते
भी है। प्रभात के लोग हमेशा उनका सम्मान करते हैं। और वचन में सत्य हो, देह में तेज हो, प्रतिज्ञा में रहती टेव। तो भारत के लोग हमेशा सत्य बोलने का धर्म अपनाते हैं। और हमारे हृदय में जो तेज है, गौरव है, गरिमा है, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण चली जाए, लेकिन अपना वचन टूटना नहीं चाहिए। ये हम जीवन मूल्य है, हमारी जिंदगी का जीवन मूल्य यही है कि प्राण भी चले जाए पर वचन कभी टूटना नहीं चाहिए। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे जो भारतवासी में वही आज रक्त है जो पहले था, आज वही देश है, देश अलग नहीं है। देश हमारा जो पहले भारत था, आज भी वही भारत देश है। आज पहले भी हिम्मत थी, आज भी हिम्मत है। जैसा पहले ज्ञान था, आज वैसा ही ज्ञान है हमारे अंदर भी। पहले शांति बनाए रखे थे, आज भी हम शांति रखे। वही शक्ति आज हमारे भुजाओं के अंदर है, क्योंकि हम दिव्य आर्य संतान के सपुत्र पुत्र है। आज भी हम भारतवासी के पूर्वज के रक्त हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है जैसा पहले था। आज भी भारतवासी वैसा ही साहस है जैसा पहले था। आज भी वही साहस, वही हिम्मत हमारे अंदर। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आज भी हम पहले की तरह शांति के पुजारी हैं और रहेंगे जरूर। देशवासियों में वैसी शक्ति, हम उन्हीं आर्य दिव्य संतान के पुत्र हैं। आज भी हमारे अंदर शक्ति उभरा रहे। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष। विचार कर देंगे हम सर्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष, हम जब तक जिंदगी में जिएंगे या जब तक हम रहेंगे, हमारे अंदर रक्त संचार बता रहेगा, तब तक हम अपने देश के लिए जीते रहेंगे, तब तक अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। यही हमारी सभ्यता संस्कृति पर हमें अभिमान है, हमें गर्व अपने सभ्यता और संस्कृति पर। और हम खुशी है, हम प्रसन्न है कि हम इस देश में जन्म लिए। भारतवर्ष के जन्मभूमि पर हमारा जन्म हुआ है। यदि कभी हमें आवश्यकता पड़ा, तो इसके लिए हम सब कुछ अपना निपार कर देंगे। हम अपने आप को पूरी तरह अपने देश के लिए अर्पित कर देंगे, समर्पित कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ तो हेलो एवरीबॉडी, मम्मी थोड़ा बात। हाँ हेलो, यहाँ पे सब लोग कॉपी कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ अभिमान का मतलब गौरव होता है, गर्मिया होता है, बहुत कुछ होता है, हर्ष मतलब प्रसन्न होता है, निचार का मतलब सबको पता ही है, तरसो मतलब सब कुछ होता है, सब कुछ, संचय मतलब एकत्र, साहस मतलब हिम्मत, अतिथि मतलब मेहमान। नम्रता मतलब नम्र, विनम्र। विपन्न का मतलब हम लोग गरीब भी लिख सकते हैं या गरीबी लिख सकते हैं। सब आप लोग सब लिख लो। अभिमान का क्या बोले? अभिमान का हमारे पे गर्व महसूस होता है, गर्व, गरिमा। वहां पे मीनिंग ऑलरेडी ऊपर दिया है। एक्चुअली ऊपर देखो, गौरव दिया है, गर्व दिया है, हमें गर्व है, हमें अभिमान है। विपन्न का हम लोग लिख सकते हैं। अतिथि का मतलब क्या बोले? अरे अतिथि का मतलब मेहमान होता है बेटा। मेहमान कभी घर पे आए हैं? यस सर। हाँ तो अतिथि मतलब मेहमान होते। जो सिंपल चीज है वही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इसमें बहुत पूरा हार्ड तो कुछ पोयम नहीं है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल, भुजा तो मतलब सबको पता है, भुजाओं में शक्ति क्या होता है, हाथों में शक्ति ये सबको पता है। चरित्र मतलब होता है चरित्रवान, चरित्र का मतलब होता है चरित्रवान, चरित्र का मतलब होता है चरित्रवान भी लिख सकते हैं उसके बदले, चरित्रवान, चरित्र, चरित्रवान। हाँ तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कभी लेक्चर हुआ तो हम लोग आगे का सोमत उमत लिखेंगे, थोड़ा सा सबको स्क्रीन में दिखाई देगा तो हम सोमत भी लिखेंगे।
मेकर्स हेलो सबका लिख के हो गया यस सर हाँ तो क्वेश्चन कुछ पूछो हेलो हेलो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन दिया गया है जैसे संचय का क्या आएगा संचय मैच द फॉलोइंग संचय ढूंढो मैच द फॉलोइंग दान आएगा क्या दान आएगा नहीं दान ही आंसर है ठीक है एक अभी तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ आएगा क्वेश्चन वो तुम लोग को लिखना है ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना हाँ ले सकते हो ना तब ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो ओके सर और मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है अगर किसी को इसे नोट्स नहीं रहेगा तो इसे तुम्हें लिखने का काम है देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको यस सर हाँ तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और तुम्हें एक्चुअल लर्न करने में काम आएगा एग्जाम पे एक्चुअल पूछता है पालतू जानवर के बारे में स्क्रीनशॉट आ रहा है ना यस सर हाँ तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा रहे एक्चुअली सभी ले लिया स्क्रीनशॉट यस सर हाँ तो देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर देता पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले स्वार्थपूर्ण व्यवहार मतलब कैसे हम लोग उनके साथ रहते हैं कैसा हमारा बिहेवियर रहता है अच्छी तरह रखते हैं नहीं रखते हैं उनके बारे में लिखने का है जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है जानवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में भी इसे प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथी रहे मतलब दोस्त फ्रेंड गाय बैल भैंस कुत्ता घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी है पालतू पशु मनुष्य के लिए परिवार के सदस्य जैसे होते हैं हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए हमेशा पालतू पशु होते हैं हमारे के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे सदस्य पर्सन होते हैं जैसे हमारे बाल बच्चे होते हैं वैसे वो भी सदस्य हमारे होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए कभी प्यार पूर्वक जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं जिस तरह हमारे बच्चे को पालन पोषण करते हैं उसी तरह हमें भी अपने जानवरों को पालन पोषण करना चाहिए हमें उनके प्रति स्वार्थपूर्ण व्यवहार करना चाहिए अच्छी तरह उनका साथ व्यवहार रखना चाहिए उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए खाना उनको अच्छा अच्छा देना चाहिए उनके साफ सफाई का ध्यान हमेशा रखना चाहिए पशु मुख प्राणी होते हैं यहाँ पे मुख का मतलब होता है जो नहीं बोल सकते ओके नहीं बोल सकते ऐसे पशु प्राणी को हमें ध्यान रखना चाहिए वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते ठीक है तो सिर्फ
एक्टिंग करके ऐसा वो लोग बताते हैं तो हमें उन पता चलता है, महसूस होता है उनके दूध दर्द कैसे हो रहे हैं, हमें महसूस होता है। तो जब प्रेम रहता है तभी महसूस होता है सब चीजों के बारे में। इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं का भी समझना चाहिए, उनकी भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए, इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए जानवर के। ये जानवर हमारे प्रति में सदा सद व्यवहार और स्नेह रखते हैं, उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। ये सभी को लर्न होना चाहिए क्योंकि हमेशा देखा गया है, ये देखा गया कि हमेशा क्वेश्चन से पूछा जाता है, इन सभी को लर्न होना चाहिए, एक्चुअली याद होना चाहिए हमेशा। और ये हो सकता है कि एग्जाम में तुम्हारे रिपीट भी होता है, तो ये सभी को लर्न होना चाहिए जानवर के बारे में, ठीक है? यस सर। तुम कर सकते हो, ग्रामर का हुआ, अगर किसी बार नोट्स नहीं है तो प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ स्क्रीन शॉट तुम्हें भेज दूंगा, और स्क्रीन शॉट से लेकर तुम लोग कर सकते हो। ओके हाँ हेलो 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 हाँ एक मैडम हेलो हेलो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर ले लिया। मतलब जो ऑडियो पे है जो है नहीं सामने ले लो और वो पढ़ो, थोड़ा पढ़ोगे थोड़ा लर्न का इसमें करता है, सिर्फ समझना है, समझ के लेना है। एक बार आपने समझ समझ लिए तो अपने आप आपको आएगा और आप अच्छी तरह लिख सकते हो, इससे भी अच्छा आप लिख सकते हो एक बार समझ में आया तो। हेलो 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 सर क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन ध्यान दो सब लोग। हम चरित्र के ऐसे थे, हम चरित्र के कैसे थे? पवित्र। वेरी गुड। हम चरित्र के कैसे थे? पवित्र। हम चरित्र के कैसे थे? पवित्र। हमें अपने गौरव पर क्या था? हमें अपने गौरव पर क्या था? गर्व। गर्व। हमारे भारतवासी में देवता के समान किसको मानते हैं? देवता का मीनिंग क्या है? अतिथि को अतिथि लिखो बस, ठीक है? एक क्वेश्चन है मेरा, ग्रामर का काल परिवर्तन ओके होता है, तुम्हारा मुख लाल होता है, इसको चेंज करना है अपूर्ण वर्तमान काल में। तो क्या तुम्हारा मुख लाल होता है? क्वेश्चन, तुम्हारा मुख लाल होता है अपूर्ण वर्तमान काल, मुख लाल
तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। हाँ राइट जवाब है, अपूर्ण वर्तमान काल है वो। तो एक और क्वेश्चन है, भव्य पहचान का प्रकार लिखना है। आज कौन सी परीक्षा है, परीक्षा है क्रिया विशेषण अव्यय। नोट्स खोल के बैठेगा सबसे सब। सर मेरे पास नहीं है कुछ भी। तो ठीक है, हावरे दृष्टि फेरना, दृष्टि फेरना। दृष्टि फेरना दृष्टि। दृष्टि फेरना मतलब होता है, मैंने बताया था, दृष्टि का मतलब नजर होता है, नजर। दृष्टि फेरना मतलब नजर डालना, नजर डालना, दृष्टि नजर नजर डालना। हेलो आशीष सर। हाँ सर, टाइम अप होने वाला है, एक मिनट बाकी है। हाँ चलेगा। राह देखना, इंतजार करना, हाँ वेरी गुड, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, वेरी गुड। थैंक यू, सभी का मुझे थोड़ा थोड़ा आंसर अच्छा लगा, वेरी गुड, जिसने दिया आंसर वेरी गुड, धन्यवाद, मिलते हैं बाद में, ओके बाय। हेलो स्टूडेंट्स, 10:30 को वापस आना है। यस सर। प्रिया सिंह, प्रिया सिंह, हैप्पी बर्थडे, जल्दी मुबारक हो। थैंक यू सर, चलो बाय। थैंक यू।